हेलो पेरेंट्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प में। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे। माय डियर मॉम्स, माय डियर पेरेंट्स, आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताने वाली हूँ क्या हमारे छोटे बच्चों के लिए, जो हमारे बच्चे हैं, नवजात हैं या 1 साल के हैं, 2 साल के हैं, इन बच्चों के लिए हीटर ज़रूरी है, या हीटर से बच्चों के कौन से नुकसान होते हैं, या हमें कौन से हीटर्स अपने बच्चों के लिए चूज़ करने चाहिए। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी कि अगर हम कंटिन्यू अपने बच्चों के लिए हीटर यूज़ कर रहे हैं तो वो किस हद तक हमारे बच्चों को नुकसान पहुँचा सकते हैं, हार्म पहुँचा सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सभी पेरेंट्स हैं, हम सभी मॉम हैं, तो कहीं ना कहीं सर्दियां हैं, बहुत ज़्यादा सर्दियां हैं, और हमारी एक यही कोशिश रहती है कि हम अपने बच्चों को गर्म रखें, उनको ठंड ना लगे। इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ रही है तो हम बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं बच्चों की हेल्थ को लेकर, कि बच्चों को ठंड ना लग जाए, और उसे ठंड लग गई तो उसको फीवर आ जाएगा या कोल्ड हो जाएगा, तो बहुत सारे इशूज़ रहते हैं। तो इसलिए हम हीटर, रूम हीटर यूज़ करते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ हमें जो जानकारी नहीं होती है उसके वजह से, या हम ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं अपने बच्चों की हेल्थ को लेकर, तो वो हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाती है। वो नुकसान कैसे पहुंचाती है, हीटर किस तरीके से बच्चों को हार्म कर सकते हैं, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप अपने बच्चों को, जो कि स्पेशली 1 मंथ या 2 मंथ या 6 मंथ तक के हैं, उनके लिए आप रेगुलर बेसिस पर हीटर यूज़ कर रहे हैं और फुल टाइम हीटर चलता रहता है बच्चों के रूम में, तो वो बच्चों के लिए वाकई में काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। ठीक है, सबसे पहले हम सही हीटर की चॉइस ना होना, मीन्स आप सही हीटर यूज़ नहीं कर रहे हो। दूसरा, जो हीटर आप पूरा दिन बच्चों के रूम में चला रहे हो, वो भी बच्चों के लिए नुकसानदायक है। ठीक, तो हीटर यूज़ करने से बच्चों को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, हीटर आपके रूम में दिन भर चल रहा है तो वो क्या करता है, जो आपका रूम की जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को कम्प्लीटली फिनिश कर देता है। ठीक है, ऑक्सीजन को ख़त्म करता है। ठीक, जो हमारे रूम में नमी बनी हुई है, जो ह्यूमिडिटी है, उसको ख़त्म करता है, नमी को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। ठीक, साथ ही साथ जो आप महसूस करोगे, अगर आप बार बार हीटर के सामने बैठी हुई हो, तो आप खुद भी इस चीज़ को नोटिस करोगे कि आपकी स्किन सूखी सूखी हो जाएगी, ड्राइनेस हो जाएगी, या फिर आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। जैसा कि मैंने बताया कि जो रूम हीटर होते हैं, जो हमारे रूम की ऑक्सीजन को फिनिश करते हैं, तो अब आप खुद सोचिए, जब आपको इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती हैं, क्योंकि वो चीज़ें हमें पता नहीं होती कि वो किस वजह से रही है, हीटर की वजह से हो रहा है या फिर नेचुरली ऐसा हो रहा है, तो आप खुद इस चीज़ को नोटिस करोगे कि आपको सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, या आपको, आपकी जो स्किन एकदम ड्राई हो जाएगी, आपको इचिंग होगी, स्केली हो जाएगी, बार बार आप खुजलाओगे। तो ये सब चीज़ होती है नमी के घटने की वजह से, आपके कमरे की नमी घट रही है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रही है। ठीक है, तो अब आप सोचिए, जब आपको इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो आपका जो बच्चा है, तो बिल्कुल नवजात है, उसको क्या प्रॉब्लम हो रही होगी। तो सेम कंडीशन बच्चे के साथ होती है। आप इस चीज़ को नोटिस करिएगा, अगर आपने रूम हीटर लगाए हुए हैं या नॉर्मल रूम हीटर है जो कि आपने बच्चे के लिए यूज़ किए हुए, तो आप उनकी स्किन को देखोगे, एकदम सूखी सूखी, क्रैक एकदम कहीं कहीं कट से पड़ गए, एकदम सूख गई है, बिल्कुल नमी नहीं है, बिल्कुल शाइनी नहीं है। तो ये होता है कि बच्चे की जो स्किन को मॉइस्चर नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, उसको नमी नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से उसकी स्किन क्रैक हो गई है, ड्राई हो गई है, और आपको एकदम दिखेगी वाइट वाइट, एकदम उसकी स्किन दिखेगी। सेम आपको उसके जो ये चीक्स हैं और ये लिप्स हैं, एकदम फटे फटे दिखेंगे, जो पिंक्स पर आपको एक पपड़ी सी नज़र आएगी। ये सब होता है ड्राइनेस की वजह से, क्योंकि जो रूम हीटर होते हैं वो एकदम ड्राइनेस को इनक्रीज़ कर देते हैं और वहाँ की नमी को ख़त्म करती हैं। ठीक है, साथ ही साथ क्या होगा कि बच्चे का जो गला है वो बहुत ज़्यादा सूखेगा, बच्चा बार बार जीभ को बाहर निकालेगा। आप देखोगे कि सर्दियों का मौसम है, लेकिन बच्चा क्या करेगा, बार बार अपनी जीभ को निकाल कर वोट ओवर फेरेगा, बार बार इस तरीके से करेगा, जीभ को बाहर निकालेगा, लिप्स पर फेरेगा। तो ये भी एक साइन है कि बच्चे को कहीं ना कहीं खुश्की महसूस हो रही है, बच्चे को कहीं ना कहीं मतलब प्यास जैसा महसूस हो रहा है उसके अंदर, जो बॉडी है वहाँ मतलब वो डिहाइड्रेशन की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो उसकी जो बॉडी का है वो पानी ख़त्म हो रहा है, प्रॉपर उसकी जो स्किन पे जो सांस नहीं ले पा रही है, ब्रीथ नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम है।
साथ आप एक चीज़ देखोगे कि आप रूम जब रूम हीटर्स में बैठोगे, जहाँ पर हीटर लगे हुए हैं, वहाँ पर आपको थोड़ी देर बाद खुश्की मीन्स सांस लेने में आपको थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ेगा, सूखा सूखापन सा आपको लगेगा, ठीक। तो ये सिर्फ हीटर की वजह से ही ऐसा महसूस होता है जब आप लगातार हीटर यूज़ कर रहे हो, घंटों घंटों पूरे पूरे दिन आपका कमरे में हीटर लगे हुए हैं। तो बच्चे को भी क्या होता है, छोटे बच्चे को कि सांस लेने में दिक्कत होती है, उस वो प्रॉपर तरीके से ब्रीथिंग नहीं कर पाता है, ठीक, खुश्की बन जाती है। और कभी कभी जो नेसल पैसेज होते हैं जहाँ बच्चा प्रॉपर सांस नहीं ले पाता है, तो ब्लीडिंग होने के भी चांसेस रहते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि बच्चों के सडनली नोज में से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गया। तो ये एक तो नकसीर होने की वजह से भी होता है, साथ ही साथ जब बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है या कमरे का जो एनवायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है, तब भी इस तरीके की दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ज़्यादा अगर खुश्की हो गई, कमरे में ज़्यादा ड्राइनेस हो गई है, तब भी बच्चे को ब्लीडिंग हो सकती है नोज के थ्रू, ठीक। तो आपको क्या करना है इसको ख़त्म करने के लिए, अगर आप रूम हीटर यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप अच्छी क्वालिटी वाले रूम हीटर यूज़ करें, ठीक है। जैसे आप ऑयल हीटर यूज़ कर सकते हैं, जो नॉर्मल आपको बहुत सारे मार्केट में हीटर्स मिल जाएंगे, तो उनको अवॉइड करें। अगर आप स्पेशली आप अपने बेबी की हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हैं या आप चाहते हो कि कोई भी हीटर बच्चे को हार्म ना करे, ठीक है, तो आप उस तरीके के हीटर यूज़ करें जो कि बच्चे की स्किन को, बच्चे को कोई हार्मनेस ना हो उसको लेकर। तो आप ऐसे हीटर यूज़ करें जिसको मैं रिकमेंड करूँगी, जैसे ऑयल हीटर है वो आप यूज़ कर सकते हैं, ये बच्चे को लेकर काफ़ी सिक्योर होते हैं, इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एक कमरे में गर्माहट बनी रहती है, और प्लस ये जो कमरे की नमी को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। साथ ही साथ बच्चे की जो हेल्थ से रिलेटेड है, जैसे खुश्की हो जाना या बच्चे को इचिंग हो रही है या बच्चे की स्किन एकदम ड्राई अप हो गई है या बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ये सारी कोई प्रॉब्लम इन सारे हीटर्स में नहीं होती है, तो मैं यही रिकमेंड करूंगी आपको। साथ ही साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो मैं आपको बताने वाली हूँ, कि स्पेशली जो पर्सनली मैं आपको बताऊँगी, कि देखिए हर पेरेंट्स की अपनी अपनी ओपिनियन है। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को हीटर्स में नहीं रखना चाहते हैं, कुछ के पास हीटर है ही नहीं है, या फिर कुछ हीटर्स में अपने बच्चों को रखना चाहते हैं। तो जो पेरेंट्स अपने बच्चे को हीटर में रखना चाहते हैं, तो अच्छी क्वालिटी का हीटर यूज़ करें, जैसे कि मैंने बताया ऑयल हीटर, ठीक है। वो हर तरीके की जो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उससे बच्चे को और किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, जो मतलब बच्चे को प्रॉपर तरीके से चीज़ें मिलती रहेंगी उसकी। तो मैं बता रही थी कि पर्सनली मैं अपने बच्चे के लिए बताऊं तो मैंने हीटर नहीं यूज़ किया। क्यों नहीं यूज़ किया? क्योंकि जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो मेरे इन लॉज हैं, उन्होंने मुझे एक चीज़ सजेस्ट करी कि बच्चा ऐसा तो नहीं है कि हर वक्त घर में ही रहेगा, ठीक है। आप बच्चे को दवाई के लिए भी ले जाओगे, आप बच्चे को कहीं बाहर भी ले जाओगे, हर जगह आप अपने बच्चे को ले जाओगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि सर्दियाँ आ गई हैं, आप हर वक्त अपने बच्चे को घर में रखोगे, ऐसे तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि बच्चे को आप हर वक्त घर में रखोगे। कभी ना कभी ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ी हुई और आपको अपना बच्चा बाहर ले जाना पड़ रहा है, ठीक। तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चा जब जो कि हर वक्त हीटर में है और आप उसको बाहर ले जाओगे, तो तुरंत एनवायरनमेंट चेंज होता है और बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से। कहाँ तो वो गर्मी में था, ठीक है, और गर्मी में से वो तुरंत बाहर आ गया, तो आप खुद सोचिए कि उस पर क्या असर पड़ेगा, छोटा बच्चा है, ठीक। तो आप अगर चाहते हैं हीटर यूज़ करना, बिल्कुल यूज़ करिए, मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगी, लेकिन पर्सनली मैं बताऊँ, मैंने अपने बेबी के लिए हीटर यूज़ नहीं किया। इसी वजह से नहीं यूज़ किया क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बच्ची को मैं बाहर भी ले जाऊंगी, हर जगह मैं बच्चे को ले जाऊंगी, तो वो जो टेम्परेचर चेंज होता है, एनवायरनमेंट चेंज होता है, ठंडा गर्म होता है, उससे बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, ठीक है। बच्चे की जो इम्यूनिटी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है, स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है। आप देखोगे गर्म में से सर्दी में ले जाओगे तो बच्चों को छींक आना स्टार्ट हो जाएंगे, और बच्चों को छींक आए डेफिनेटली बच्चों को कोल्ड हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, कफ हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैंने अपने बच्चे को एक सिमिलर टेम्परेचर दिया, मैंने हमेशा उसको एक ही टेम्परेचर पर रखा है, मीन्स मैंने अपनी बेबी के लिए रूम हीटर्स नहीं यूज़ की। लेकिन मेरे पास ये क्वेश्चंस थे कि मैम बच्चों के लिए हीटर्स यूज़ करना सेफ है या फिर हम कौन सा हीटर यूज़ करें, तो मैंने आपको बता दिया कि आप ऑयल हीटर यूज़ कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी होती है, ठीक। और पर्सनली मैंने हीटर नहीं यूज़ किया अपने बच्चे के लिए, ठीक है, इसी वजह से नहीं यूज़ किया कि क्यों क्यों जब हम बच्चों को बाहर ले जाते हैं तो वो बहुत जल्दी इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से बीमार पड़ जाती हैं, ठीक है।
तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बार बार बीमार ना पड़े तो आप यूज़ भी कर सकती हैं और नहीं भी यूज़ कर सकती, ये आपके पर्सनल चॉइस है, ठीक है। तो ये मेरी वीडियो था हीटर्स के ऊपर। तो अगर आपको हर चीज़ समझ में आ गई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरी हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकती हैं। मैं डेफिनेटली रात में 10 बजे या 11 बजे के बाद सारे रिप्लाइज़ करती हूँ। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं रिप्लाइज़ नहीं कर पाती हूँ, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। तो अगर आपको अपनी रिप्लाइज़ देखने हैं या आपने जो कमेंट किए उनके आंसर आपको देखने, तो प्लीज़ आप रात को 10-11 बजे के आसपास अपने मैसेजेस देख सकती हैं। और कभी कोई मैसेज रह जाता है तो उसके लिए सॉरी, ये कभी कभी नहीं हो पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय पेरेंट्स, बाय बाय मॉम।